नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा। ऑल इन वन चैनल में आप सभी भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आया हूं। वो वीडियो होने वाली है कि अगर आपका सिस्टम में पानी कम आता है जहां ब्लॉकेज हो जाता है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आप तक पहुँच सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर सिस्टम ब्लॉकेज हो चुका है जब प्रेशर कम है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो, हम इस वीडियो में आपको एक डेमो दिखाएंगे। आपने क्या करना है, आपने एक पीवीसी कनेक्शन जो लगा है इसको निकाल लेना है, जिस तरीके से हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं इसी तरीके से आपने पीवीसी कनेक्शन को निकाल लेना है। एक ब्रिक सा वायर लेना है और इस पीवीसी कनेक्शन में घुसाड़ना है और अच्छी तरह इसकी सफाई करनी है, क्योंकि पानी चल चल कर इसमें जो पिलची टाइप सा जम जाता है, कचरा सा जम जाता है, उसको अच्छी तरह साफ कर लें। अगर आपका फिर भी प्रेशर नहीं बढ़ता है तो आपने फिर क्या करना है, जो सिस्टम में फ्लोट वाल लगा होता है उसे निकालना है। वो कैसे निकालोगे हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि कैसे निकाला जाता है। आपने क्या करना है, इसमें जो नट लगा है इसको घुमाना है और बाहर को निकाल लेना है। घुमा घुमा कर इसको बाहर निकाल लेना है, जैसे हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं। ये हमने एक वीडियो डेमो बनाया है। ये सिस्टम हमारा बिल्कुल साफ़ है, पर हम दिखा रहे हैं कि ब्लॉकेज हुआ सिस्टम को कैसे साफ कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा देर तक पानी चलता रहे तो इसमें पिलची टाइप जम जाता है, जिसके कारण ये बाल भी बंद हो सकता है। इसको फ्लोट बाल बोलते हैं। इसको हमने अब वाटर टैंक सिस्टम से बाहर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, अब हमने इसको जो फ्लड वाल लगा है इसको निकाल लेना है बाहर, फिर इसकी हम सफाई करेंगे। कैसे करेंगे हम इस वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ एक डेमो दिखाया है, इस तरीके से आप अपने सिस्टम की सफाई कर सकते हो। इतना सा काम आप खुद भी कर सकते हो। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सफाई की जाती है। अब इस पर जो लगा नट इसको निकालना है, क्योंकि इसके दो हिस्से होते हैं। इसमें एक रबड़ की वाशर पड़ी होती है, उसमें कचरा आ जाता है, जिसके कारण आपका जो सिस्टम का प्रेशर कम हो जाता है, पानी कम आता है। इसको कैसे खोलना है ये भी हम वीडियो में दिखाते हैं। अभी इस जगह को आपने घुमाना है, दोनों हाथों से पकड़ लें, इसे घुमाएं, घुमा के इसको बाहर निकाल लें। अब ये दो हिस्सों में बढ़ चुका है। अब जो रबड़ की वाशी पड़ी है इसमें ब्लैक सी आपने देखी होगी दूसरे हिस्से में, हाँ जे वाली बाछल है, इसको निकालना है। इसके पीछे कचरा फंसा होता है, ये बिल्कुल साफ है, पर जो पुराने वाला होगा आपका, जिसका प्रेशर कम हो जाएगा, इसमें कचरा होता है, इसको अच्छी तरह सफाई कर ले। जो छोटा सा छेद है इसमें ही कचरा आता है और आपका प्रेशर जो कम हो जाता है, जो वाटर टैंक का प्रेशर होता है कम हो जाता है। अच्छी तरह से सफाई करके आपने उसी तरह दोबारा इसको फिट कर देना है, फिर आपके सिस्टम का प्रेशर दोबारा उसी तरह बढ़ जाएगा। जिस तरह नए का प्रेशर होता है उसी तरह इसका भी प्रेशर ठीक हो जाएगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई जानकारियां हम लेके आते रहते हैं। हम प्लंबिंग की वीडियो डालते हैं और साथ में इलेक्ट्रिकल की वीडियो डालते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके। इसमें लगी किल्ली से आप सिस्टर का पानी कम या ज़्यादा कर सकते हो, इसलिए ये इस जगह पे लगाई जाती है। इससे आपका जो सिस्टर होता है उसमें पानी कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, इसी से आप। इसी तरह आपने दोबारा फ्लड वाल को फिट कर देना है।
और पीवीसी कनेक्शन इसके साथ दोबारा लगा देना है, जिस तरीके से हमने इस वीडियो में पूरा दिखाया है। तो दोस्तों हमारी वीडियो जो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।